हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोक्रेटस यानी सुकरात की एजुकेशनल फिलोसफी क्या थी। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं उनके एजुकेशनल थॉट्स पढ़ लिया था, उनकी एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ लिया था, और साथ ही हमने वेस्टर्न जो फिलोसोफर हैं उनकी भी हमने एजुकेशनल फिलोसफी कवर कर लिया है। अगर वो सभी वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको BA रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, एज वेल एज आपको PDF भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो के PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको केवल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना होगा, आपको वो वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में देख रहे हैं सुकरात, ठीक है, हिंदी में सुकरात कहेंगे, इनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या थी सोक्रेटस की एजुकेशनल फिलोसफी। सोक्रेटस का जन्म हुआ था 399 BC में। उस समय क्या था कि ये जो राइटिंग्स का, बुक राइटिंग्स का उतना चलन नहीं था, इसीलिए जो सोक्रेटस थे उन्होंने जो भी अपना मतलब जो भी लोगों को उपदेश दिया, ठीक है, उसको बाद में जो उनके डिसिपल कौन थे, प्लेटो थे और एरिस्टोटल थे, उन्होंने बाद में इसे एक्सप्लेन किया और उसके पर बाद में बुक लिखी गई कि उनके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, सोक्रेटस के मुख्य प्रिंसिपल क्या थे। क्योंकि सोक्रेटस क्या थे, वो बेसिकली क्या करते थे कि वो घूम घूम कर जो अपने उपदेश हैं लोगों को देते थे। तो इसके बाद जो उनके डिसिपल्स हुए उन्होंने जो है बताया, उन्होंने भी उपदेश दिया, तो उसके आधार पर आज हम पढ़ेंगे कि सोक्रेटस की जो एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या रही थी। ठीक है, अब जो सोक्रेटस है इनका जो जन्म था 399 BC को हुआ था। इनके जो फादर थे बेसिकली वो क्या थे, स्कल्प्टर थे। ठीक है, स्कल्प्टर थे, और इस तरीके से जो सोक्रेटस है उन्होंने भी अपने फादर से, अपने पिताजी से उन्होंने भी यह कौशल सीखा था। ठीक है, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उनके बारे में, यानी जो उनकी जीवनी है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चला, जो उनके डिसिपल्स थे प्लेटो और एरिस्टोटल, जो उनके बारे में बाद में सोक्रेटस के बारे में उनके जितने भी उपदेश थे वो इन्होंने फॉलो किया, प्लेटो एरिस्टोटल ने, और उन्होंने भी यही उपदेश दिया। तो उनकी राइटिंग्स से हम जान सकते हैं कि जो है सोक्रेटस उनकी जीवनी क्या थी और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया था। ठीक है, और जो सोक्रेटस थे वो एक ह्यूमनिस्ट थे, ठीक है, और आइडियलिस्ट थे। ठीक है, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, इनकरप्टिबिलिटी, सेरेनिटी ऑफ माइंड एंड ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस वर द आउटस्टैंडिंग ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर। तो उनके यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया, क्योंकि उनका चरित्र क्या था, वो क्या था, फियरलेस, इनकरप्ट थे। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है, उनके जितने भी सारे जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आगे देख लेते हैं, तो हिज डॉक्ट्रिन, उनका एक सिद्धांत था, वो क्या मानते थे कि जो वर्च्यू होती है यानी जो गुण होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो उसका एक नॉलेज है, वो क्या है, उसका ज्ञान है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना क्या है, ज्ञान के बिना कोई भी इंसान क्या होगा, अधूरा होगा। और उन्होंने क्या कहा, फ्रॉम दिस वॉज डिडक्टेड द आइडिया दैट वर्च्यू इज टीचेबल। उनका मानना था कि जो वर्च्यू होती है, किसी कोई जो गुण होता है, मैरिट्स होता है, वो क्या है, वो सिखाया जा सकता है, टीचेबल है और उसे सिखाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि जो सुपरफिशियल डॉक्ट्रिन है, जो सोफिस्टिकेटेड, जो 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 तर्कविहीन जो बातें होती है जो सदियों से चली आ रही है, ठीक है, और जो लोग मानते हैं लेकिन जिसका कोई आधार नहीं, ऐसे बातों को क्या करना चाहिए, फिर से री एग्जामिन करना चाहिए डायलेक्टिकल मेथड में। और उनके इसी सोच ने उन्हें क्या किया, ग्रेट टीचर की उनको उपाधि मिली। ठीक है, आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉलेज एज द गोल ऑफ लाइफ। उनका मानना था कि जो नॉलेज है यानी इंसान को, इंसान ज्ञान के बगैर क्या है, अधूरा होता है। ठीक है, सोक्रेटस आगे क्या कहते हैं कि जो नॉलेज है, ठीक है, वो एक इंसान इज द हाईएस्ट गुड, यानी इंसान सबसे जो एक इंसान की सबसे बड़ी जो गुड यानी में अच्छी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, नॉलेज, ज्ञान होती है। ठीक है, hence the summum bonum of life, that is true aim of life। ठीक है, तो यानी aim of life क्या होना चाहिए, एक इंसान का, हर एक इंसान का क्या होना चाहिए, नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करना। सभी जो इंसान है, all human being क्या करते हैं, happiness को, खुशियां को
तलाशते रहते हैं, ठीक है। एंड हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम गुड डीड्स, और हैप्पीनेस कब आएगी, अंदर से खुशी कब मिलेगी, जब हम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अ पर्सन मस्ट नो वॉट इज गुड, और एक इंसान को पता होना चाहिए गुड और बैड के बीच में डिफरेंस, उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, इन दोनों के बीच में उसे अंतर मालूम होना चाहिए। हैंस अ पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ गुड, नॉलेज लीड्स टू मोरल कंडक्ट, जो ज्ञान होता है उससे एक इंसान क्या करता है, वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। नॉलेज इज द की टू राइट कंडक्ट, और नॉलेज से क्या है वो एक चाबी जिसे हम कह सकते हैं की है, ठीक है, राइट कंडक्ट की। द फर्स्ट डिक्टम ऑफ सोक्रेटस मोरल थियरी इज नो थाइसेल्फ, यानी अपने आप को समझो अपने आप को जानो, ये किसका माना था, सोक्रेटस का। नॉलेज के अलावा ज्ञान के अलावा हमें अपने आप को भी क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। सोक्रेटस अटैच इक्वल इंपॉर्टेंट टू विल एंड डिजायर इन मोरल कंडक्ट, यानी जो विल है हमारी जो इच्छा है और जो डिजायर है उसको भी सोक्रेटस ने इंपॉर्टेंस इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। ही राइट्स दैट विदाउट नॉलेज देयर कुड बी नो गुड एंड नो वर्च्यू, ज्ञान के अगर ज्ञान के बगैर किसी भी तरीके की एक इंसान के अंदर वर्च्यू यानी गुण नहीं आ सकते। अ मैन ऑफ नॉलेज इज अ मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और जिस इंसान के अंदर नॉलेज है ज्ञान है वह आदमी क्या है, सेल्फ कंट्रोल यानी आप आत्म जो है कंट्रोल करना जानता है। आगे देख सकते हैं सेकंड नंबर, वर्च्यू कैन बी टॉट, ठीक है। तो सेकंड है कि जो वर्च्यू जो है, जो कला है, जो गुण है, वो क्या है, सिखाया जा सकता है। एज नॉलेज इज ए सिस्टम एंड अ साइंस, क्योंकि जो ज्ञान है वो क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है, और साइंस है, सिस्टम है, इट कैन बी टॉट, इसे पढ़ाया जा सकता है। और टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को इसे समझने में, इसे जानने में हेल्प करे। वननेस ऑफ वर्च्यू, आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर है वननेस ऑफ वर्च्यू, ठीक है। तो इनका क्या मानना है कि जो वर्च्यू यानी जो गुण है उसका एकात्मता होना। सोक्रेटस क्या कहते थे कि जो वर्च्यू है वही क्या है, ज्ञान है, ठीक है, गुण है वो क्या होगी, ज्ञान होगी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रीक में क्या कहते थे, देयर आर बेसिकली फोर वर्च्यू, जो ट्रेडिशनल ग्रीक वाले क्या मानते थे कि फोर वर्च्यू, कौन कौन से वर्च्यू हैं, विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। आगे देख लेते हैं वर्च्यू इज ब्लिस, और फोर्थ यहां पर आप देख सकते हैं वर्च्यू इज ब्लिस, वर्च्यू इज ब्लिस, मतलब सोक्रेटस क्या कहते हैं, सोक्रेटस का मानना है कि जो नैतिक गुण होते हैं वो क्या है, ब्लिस यानी परमानंद, हैप्पीनेस, खुशी है, ठीक है। देयर कैन बी नो हैप्पीनेस विदाउट वर्च्यू, यानी कि नैतिक गुण के बगैर कोई भी खुशी नहीं मिल सकती। एंड नो हैप्पीनेस इज इक्वल टू दैट ऑफ वर्च्यू, और कोई भी खुशी इस दुनिया में वर्च्यू यानी जो नैतिक गुण है उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसके बराबर नहीं टिक सकती। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं सोक्रेटिक मेथड, कौन सा उनका मूल मेथड, थिंक एंड एक्ट, यानी सोचना और फिर एक्ट करना, ठीक है। असर्ट योरसेल्फ, द टेंडेंसी ऑफ द सोफिस्ट टीचिंग हैड बीन टू इनकल्केट द मैक्सिम असर्ट योरसेल्फ, द की ऑफ सोक्रेटिक लाइफ एंड वर्क लाइज इन द मोटो नो थाइसेल्फ। और सोक्रेटिक मेथड क्या कहता है कि नो यानी अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस और खुद को जानना और खुद को कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म वाज द की ऑफ लाइफ ऑफ सोक्रेटस एंड अकॉर्डिंगली ही इन्फ्लुएंस द पीपल। तो इंटेलेक्चुअलिज्म जो थी वो क्या थी, उनका मानना था कि एक इंसान को क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ज्ञान, सब समस्त चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और इसी तरीके से जो सोक्रेटस थे वो भी क्या करते थे, लोगों को, बाकी लोगों को प्रभावित करते थे अपने नॉलेज से, अपने इंटेलेक्ट से, ठीक है। रिसर्च योरसेल्फ, व्हाट सोक्रेटस सेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग वाज रिसर्च। सोक्रेटस क्या कहते हैं सभी लोगों को कि रिसर्च करो, अपने आप को रिसर्च करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपना पर्पस जानो, आपका लाइफ का पर्पस क्या है ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन विच मैन मस्ट अज्यूम इज टू नो हिमसेल्फ, यानी आत्म, जिसे हम कह सकते हैं आत्मज्ञान, अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनका एम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सोक्रेटस एडवोकेट्स दैट एम ऑफ लाइफ एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्शियस, यानी जो व्यक्ति है उसको अपनी लाइफ का पर्पस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
द कॉन्शियस इंडिविजुअल मस्ट नो, तो जो कॉन्शियस इंडिविजुअल, जो जागरूक इंडिविजुअल, जो जागरूक एक व्यक्ति है जो अपने प्रति जागरूक है, ठीक है, जिसे अपने बारे में समस्त ज्ञान है, तो ऐसा जो व्यक्ति है मस्ट नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल नॉलेज इज वर्च्यू, उसे पता है कि ज्ञान क्या है, नैतिक गुण ही क्या है, ज्ञान है। देयरफॉर द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव नॉलेज टू द लर्नर टू डेवलप हिज पावर ऑफ थॉट, यानी कि ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति है वो क्या कर सके, अपने अंदर की जो क्षमता है, अपने अंदर की जो पावर है उसे पहचान सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पर्पस ऑफ टीचिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस टीचिंग हैज टू पर्पस, तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग दो पर्पस होनी चाहिए टीचिंग की। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट नॉलेज हैज एट द बेसिस ऑफ ऑल वर्चुअस एक्शन, यानी कि क्या बताना कि जो नैतिक कार्यों के द्वारा नैतिक एक्शन लेने से अगर लेते हैं तो वो क्या होता है, उससे किसी को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। सेकंड है टू एजुकेट दैट नॉलेज इज टू बी डेवलप्ड बाय ईच लर्नर फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस बाय मीन्स ऑफ डायलेक्टिक और कन्वर्सेशन मेथड, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, डायलेक्टिक मेथड और कन्वर्सेशन मेथड, जिससे कि जो एक लर्नर है वो अपने ओन एक्सपीरियंस से अपने खुद के अनुभव के द्वारा कोई चीज़ को सीख सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा कि सोक्रेटिस की जो एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।